सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से गौर कर रहा था, एनालाइज कर रहा था अपने चैनल को गाइज, जिसमें कि मैंने एक चीज़ गौर की कि आप सभी को कैरोके फंक्शन वाले एक ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग देखनी थी कि नहीं देखनी थी, कमेंट में जाके ज़रूर से बताइएगा। सो गाइज, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले एक कैरोके ब्लूटूथ स्पीकर की, जिसमें कि आपको एक माइक फ्री भी देखने को मिल जाता है, जिसका कि बॉक्स आप सब मेरे हाथ में देख सकते हो। बेसिकली गाइज, ये किसी लोकल कंपनी की तरफ से ही है। बेसिकली ये स्पीकर ज़्यादा महंगा नहीं है, 600-700 रुपये के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको खरीदने का मन करे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी, वहां से जाके आप काफी आसानी से परचेज भी कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस अनबॉक्सिंग वीडियो। सो फाइनली गाइस, यहां पे आप सब देख सकते हो, ये रहा गाइस हम लोग का कैरोके स्पीकर का मेन रिटेल बॉक्स, जो कि गाइस बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है। यहां आप सब देख रहे हो, अपने आप ही ये बॉक्स खुला जा रहा है। तो गाइस, बेसिकली ज्यादा देरी ना करते हैं, अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लो। इसके गाइस हमें 3 कलर्स के वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। एंड गाइस, अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ बॉटम में आप सब देख सकते हो कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, वो सब लिखे हुए हैं। गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ वायर्ड माइक इसके साथ फ्री देखने को मिल जाता है। तो जल्दी इसके बॉक्स के कंटेंट्स को सभी को बाहर निकालते हैं। बाकी गाइस, बॉक्स के अंदर में भी और कुछ भी नहीं, तो बॉक्स को हम लोग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। एंड गाइस, फाइनली यहाँ इस बबल रैप में से भी अपने स्पीकर को निकाल ही लेते हैं। एंड गाइस, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये स्पीकर है ना, ये गाइस कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी की तरफ से नहीं है, नॉर्मल कंपनी की तरफ से है। एंड गाइस, यहाँ पे आप सब देख सकते हो, डिटैचेबल फॉर्म में हमें यहाँ पे हमारा कैरोके माइक भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप काफ़ी आसानी से कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करके इसको इसके अंदर अटैच भी कर सकते हो। एंड गाइस, काफ़ी सिंपल तरीके से अटैच भी हो जाता है। एंड गाइस, इसके यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ऑन एंड ऑफ करने का बटन देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप इस कैरोके माइक को इस स्पीकर में अटैच भी कर सकते हो। तो कैरोके माइक को थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं इस जगह पे। एंड गाइस, फाइनली आप सब यहाँ पे देख सकते हो, इसको गाइस, इस स्पीकर को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। एंड गाइस, वाकई में इसका जो वजन है ये काफ़ी ज़्यादा कम है, या फिर कह सकते हो ये इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा हल्का है। बेसिकली गाइस, ब्लैक कलर का देखने को लग जाता है। एंड गाइस, आगे डिज़ाइन देखो, काफ़ी ज़्यादा रोबोटिक्स की डिज़ाइन देखने को इसके अंदर हमें मिल जाती है। एंड गाइस, सच बताओ कि इसकी वेट की बात करें, लगभग भी इसका वेट 200 से 300 ग्राम के अप्रॉक्स हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पीछे एक स्लॉट दिया गया है, तो इसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ से खोलते तो यहाँ पर हमें इसके अंदर डिटैचेबल बैटरी भी देखने को मिल जाती है। मतलब कि गाइस, अगर ये बैटरी कुछ समय बाद ख़राब होने लगे तो आप इसको यहाँ से मतलब कि चेंज भी कर सकते हो, जो कि गाइस सच बताओ तो मुझे इन स्पीकर्स में काफ़ी सही बात लगती है। एंड गाइस, स्पीकर में इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा होल देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से क्या होता है गाइस, इस स्पीकर के अंदर जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं, इको वगैरह होती हैं, तो वो इस होल से काफ़ी ज़्यादा आसानी से बाहर आ जाती हैं। साथ ही साथ गाइस, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा ही प्लास्टिक से बना हुआ है। गाइस, बात करें इसके प्राइस के हिसाब से तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही मैं कहना चाहूँगा। ऊपर यहाँ पे हमें एक हैंडल भी देखने को मिल जाता है, तो आप काफ़ी आसानी से इसको मतलब कि हैंडी तरीके से कैरी वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको आगे 4 बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे। पर यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ सबसे पहला बटन मोड का बटन देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप इसके अंदर मोड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। FM मोड से ब्लूटूथ मोड लगा सकते हो, ब्लूटूथ मोड से ऑक्स इनपुट मोड भी लगा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सही मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ ये जो 2 बटन्स दिए गए हैं गाइस साइड बाय साइड करके, ये गाइस वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के काम में आते हैं। साथ साथ सॉन्ग वगैरह भी आप सब चेंज कर सकते हैं। गाइस, जो ये बीच वाला बटन है, ये गाइस गाने को प्ले एंड पॉज करने के काम में आता है। एंड गाइस, ये वाला जो बटन है, ये LED को ऑन एंड ऑफ करने के काम में भी आता है। तो यहाँ गाइस आप सब देख सकते हो, इस स्पीकर में लाइटिंग भी ऑन हो चुकी है। गाइस, काफ़ी सही है स्पीकर देखने को लग रहा है। अगर इस स्पीकर के टॉप की बात करें तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, USB A पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से गाइस आप इस स्पीकर के अंदर पेन ड्राइव से भी सॉन्ग वगैरह भी प्ले कर सकते हो। एंड उसके जस्ट बगल में आप सब कुछ इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक TF कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आप मेमोरी कार्ड यूज करके भी सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हो। उसके जस्ट बगल में आपको एक microUSB पोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप इस स्पीकर को चार्ज भी कर सकते हो। एंड गाइस, उसके जस्ट बगल में आपको एक 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से गाइस आप इस स्पीकर को डायरेक्टली वायर के थ्रू अपने फोन, PC, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। एंड उसके जस्ट बगल में ऑन एंड ऑफ का एक मतलब कि स्विच में देखने को मिल जाता है बेसिकली, जिसकी मदद से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने इस वाले फोन से कनेक्ट कर लिया। एंड गाइस, देन वॉल्यूम भी आप सब देख सकते हो पूरी फुल हो चुकी है। तो जल्दी से आपको एक सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। साथ
साथ ही साथ गाइस एक बार इस स्पीकर को फुल चार्ज करने के बाद आप इसको लगभग लगभग 3 से 4 घंटा काफी आसानी से चला सकते हो। एंड गाइस इसके अंदर की जो आरजीबी लाइटिंग है मुझे काफी पसंद आ रही है। साथ साथ गाइस आप सभी ने इसकी साउंड वगैरह भी सुन ली होगी। बेसिकली गाइस इसके साउंड की बात करें तो मुझे थोड़ी सी इसके अंदर झंझनाहट लगी, वो दांत वाली झंझनाहट की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली गाइस जब आप इसके अंदर साउंड वगैरह प्ले करते हो, म्यूजिक वगैरह प्ले करते हो, तो आप सब कह सकते हो म्यूजिक टू म्यूजिक ये डिपेंड करता है। अगर म्यूजिक थोड़ा सा हाई बास वाला है तो इसमें थोड़ी सी झंझनाहट हमें सॉन्ग में देखने को मिल जाती है। बेसिकली गाइस इसके प्राइस के हिसाब से बात करें तो गाइस ये आप सब कह सकते हो मतलब कि एकदम कॉमन चीज है। लोकल कंपनी की तरफ से ये स्पीकर आता है तो ये सब चीजें कॉमन है। इतने कम प्राइस में आपको एक कैरोके ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल रहा है तो यही बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ओवरऑल गाइस अगर साउंड लाउडनेस की बात करें तो इसके प्राइस के हिसाब से काफी सही है। बास भी इसके प्राइस के हिसाब से काफी सही देखने को मिल जाता है। तो गाइस बेसिकली वो सब चीजें छोड़ते हैं, यहाँ पे मेरे हाथ में आप सब देख सकते हो कैरोके माइक दे रखा है। तो अब जल्दी से इसको इसके अंदर प्लग करते हैं। गाइस बेसिकली जो कैरोके माइक है 3.5 mm केबल के साथ आता है तो इसको जल्दी से इसमें हम लोग प्लग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमें कैरोके माइक का सिस्टम कैसा देखने को लगता है। सो गाइस यहाँ पे आप सब देख सकते हो जो कैरोके माइक है वो इस स्पीकर में कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो जो अब आवाज आ रही है वो इस स्पीकर के अंदर से आ रही है। तो आप सब खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी कैरोके क्वालिटी है वो कैसी देखने को लग रही है। गाइस इतनी समय मैं खुद भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। पहले एक बार मैं इसकी पूरी जो वॉल्यूम है इसको फुल कर लेता हूँ। सो गाइस अभी आप सब देख सकते हो जिसकी वॉल्यूम है पूरी फुल हो चुकी है। एंड गाइस यहाँ पे आप सब देख सकते हो फिर से जो मेरी आवाज आ रही है वो इसके अंदर से आ रही है। एंड गाइस आप सब इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। बेसिकली गाइस आप सब ने अब इसकी साउंड क्वालिटी सुनी ली होगी। एंड गाइस मैं अब इसको ऑफ कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे भी मैंने काफी देर तक इसको एक्सपीरियंस किया पहले भी और अभी भी। तो गाइस इसमें मैंने एक चीज गौर की जो इसकी साउंड लाउडनेस है ना वो इसकी इको के आगे थोड़ी सी दब रही है। आप सब कह सकते हो मतलब इसकी जो लाउडनेस है थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती थी। इको इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इसके प्राइस के हिसाब से हम इससे ज्यादा कुछ उम्मीदें भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये अपने प्राइस को मतलब कि इसके अपने क्वालिटीज को काफी सुटेबल है, मैं कहना चाहूंगा सुटेबल है। सो गाइस यहां पे अगर आपको इसको खरीदने का मन करे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है इसको खरीदने की। आप घर बैठे इसको काफी आसानी से खरीद सकते हो। सो गाइस फिलहाल के आज की इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।